हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें वॉइस डाला था, पर टेक्निकल इश्यू के लिए इसमें वॉइस नहीं आ पाया था। तो इलेक्शन का रिजल्ट सब डिक्लेयर हो रहा है, तो किस जगह पे कौन जीता, अपने एरिया का रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊँगा। तो क्रोम ब्राउज़र आने के बाद में दोस्तों, ऐसे गूगल में सर्च करके भी आप चेक कर सकते हैं, मगर दोस्तों अगर आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डिटेल्स मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, मैं को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके आराम से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते ही आपको इलेक्शन रिजल्ट का जो पेज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको पार्टी वाइज, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऑल कैंडिडेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ट्रेंड्स, सब कुछ सिस्टम यहाँ पे तीन तरह का सिस्टम है। तो आपको जो है, अगर आपको चेक करना है पार्टी वाइज, तो पार्टी वाइज क्लिक करके पार्टी वाइज चेक कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ऑल कैंडिडेट्स का अगर चेक करना चाहते हैं आपके एरिए का, तो भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद में आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे आसाम सिलेक्ट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभयपुरी नॉर्थ सिलेक्ट हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे दूसरा कुछ सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आसाम की जगह में समझ लीजिए वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेना है। वेस्ट बंगाल की यहाँ पे सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में अगर आप कुछ कोई जगह का चेक करना चाहते हैं, समझ लीजिए कि कोलकाता का चेक करना है या फिर कोई अलग जगह का चेक करना है, वो सब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कोलकाता पोर्ट का चेक करना है तो कोलकाता मार देना है। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है नज़र आ जाएगा, जो जितना रिजल्ट में आगे चल रहा है कौन कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जो है अब तक जो है रिजल्ट जो है डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी कौन कितने इसमें आगे चल रहा है, किसको कितना वोट मिल रहा है, वो सब यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ अवध किशोर गुप्ता को मिला 8% का वोट, फिराद हाकिम को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वोट मिला 83% का। तो इस तरह जिसको जितना परसेंट का वोट है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अपने एरिया का वोट इसी तरह आसानी से अपना सिलेक्ट स्टेट में अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ लीजिए कि केरला का चेक करना है, तो केरला में आप जो स्टेट का, जो एरिया का चेक करना चाहते हैं केरला स्टेट के, वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।